क्या नाम है बेटा आपका? रूबी कनौजिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 11। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं क्यों? आज बहुत हम लोग के लिए खुशी है। क्या? कि हम लोग के गांव के निवासी रेतीपुर निवासी के कमलेश शर्मा गए हैं चंद्रयान 3 पर। कैसे पता चला आप लोगों को? बहुत हम आज चंद्रयान का आज चंद्रयान के लाइव है। आज चंद्रयान आप लोग लाइव प्रसारण देंगे? यस। अंजलि चौबे किस क्लास में पढ़ती है? 7th। आज आप लोग एक पास जमा हुए हैं क्यों? सर आज हम लोग को बहुत खुशी है कि चंद्रयान उतरने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो चंद्रयान में आज जिस तरह से आप लोग जश्न मना रहे हैं, आपके गांव के भी कमलेश जी शामिल हैं? यस सर, हमारे गांव के वो निवासी तेजमल पट्टी के निवासी वो हैं कमलेश कुमार शर्मा जी। कैसा लग रहा है? बहुत हम लोग खुशी हो रही है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं भी रेवतीपुर की रहने वाली एक लड़की हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी राजभर। किस क्लास में पढ़ती है? 7th की में। आज आप लोग खुशियाँ मना रही हैं क्यों? सर हमारे गांव के कमलेश कुमार शर्मा जी हमारे गांव के चंद्रयान उतरेंगे, हम उनको शाम को 5 बजे लाइव देखेंगे स्कूल में आकर। आप लोग क्या इससे प्रेरणा ले रहे हैं? हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव के निवासी गए हैं चंद्रयान पर। हम लोग भी खुशी मना रहे हैं कि हम लोग भी बड़े होकर अपने माँ बाप के स्कूल के सारे लोग के नाम रोशन करेंगे।
कुमार राय, इस नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। आपके गांव के लिए आज एक विशेष उपलब्धि का दिन है और देश के लिए क्या है उपलब्धि का दिन? उपलब्धि को अब हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो उपलब्धि हमको मिलने जा रही है और जरूर मिलेगी, यह हम लोगों को पूरा विश्वास है। और यह माँ भगवती की धरती, पहलवानों वीरों की धरती, जरूर आज हमको सफलता इसलिए मिलेगी कि इस गांव का भी हमारा छोटा भाई कमलेश शर्मा उस अभियान से जुड़ा हुआ है। और जो भी स्थिति है, निश्चित रूप से यह दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा योगदान, हमारे गांव का योगदान अपने देश के लिए हमेशा रहा है, आज भी रहेगा, और हम जरूर उस यान को लैंडिंग कराने में सफल होंगे। हाँ, होगा कि बच्चे कितने उत्साहित हैं, हम लोग गांव के कितने लोग उत्साहित हैं। कमलेश शर्मा बचपन से कैसे थे, कुछ बताएं दर्शकों को। कमलेश शर्मा बचपन से ही होनहार थे, उनमें वो पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे देते हैं सर। तो शुरू से ही जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि उनके पिताजी हम लोग के साथ रहते हैं, यहाँ से गाजीपुर से वकालत करते थे, तो गांव में उनका ही रहना है। उनके बड़े पिताजी लखनऊ रहते थे, तो बाद में लखनऊ पढ़ने को चले गए, लेकिन शुरू से ही मेधावी थे और उनकी जो जिज्ञासा थी वही उनको आज इस स्तर पर ले गई है सर। आज कमलेश शर्मा जो है जिस शिखर को छूने जा रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है, क्या कहना सर? पूरी टीम, अब क्या कहा जाए, पूरी टीम बधाई की पात्र है। पूरी टीम के साथ हमारी जो सरकार है वह भी इस क्षेत्र में, हम लोगों ने पिछले साल जब यह चंद्रयान टू थोड़ा सा चूक के कारण असफल हो गया था तो हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। जैसा क्या उम्मीद करते हैं आज, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, माँ भगवती से प्रार्थना है कि पूरी टीम हमारी सफल हो और सबको सफलता का श्रेय जाता है। विशेषकर तो भाई हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव का लाल उसमें है।